सागर दुखी लग रहे क्या हुआ बीवी ने डाटा क्या सुबह सुबह बीवी ने नहीं बॉस ने डाटा डांटा मुझे अरे बॉस ने क्यों डांटा लिखी क्योंकि बॉस ने मुझे एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा था और उस टाइम बचाने के लिए मैंने उस आर्टिकल को चैट जीपीटी से लिखवाया तो बॉस ने डिटेक्ट कर लिया एक डिटेक्टर टूल की मदद से अरे फिर तुझे बायपास जीपीटी यूज करना चाहिए था ना वो क्या होता है अरे बायपास जीपीटी में अगर तू कोई भी चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखता है ना वो पूरा उसको ह्यूमनाइज कर देता है अच्छा ये बात मुझे पहले नहीं पता थी जी हाँ दोस्तों आप भी अगर आर्टिकल और ब्लॉग लिखने के लिए चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे इस्तेमाल करने के बाद आप वो आर्टिकल एज इट इज अपने बॉस को देते हैं तो भाई बॉस इनकी तरह जैसे ये सागर जी है इन्होंने अपने बॉस को वो आर्टिकल दे दिया और ये प्रॉब्लम में फंस गए क्योंकि बॉस ने उसे डिटेक्ट कर लिया एआई टूल के ज़रिए लेकिन अगर आपके पास ये टूल रहता जो जिनके बारे में अभी आरजे सर ने बात की बाईपास जीपीटी जी हाँ बाईपास जीपीटी के ज़रिए आप अपने कंटेंट को भाई ह्यूमनाइज़ कर सकते हैं कैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये बाईपास जीपीटी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और अगर वो ए डिटेक्टर पे हम कोई भी GPT से लिखा गया कंटेंट डालते हैं या फिर बाईपास GPT से उसे ह्यूमनाइज करते हैं तो वो किस तरह से ह्यूमन लाइक जैसे ह्यूमन ने लिखा है ऐसे लगेगा राइट तो वो कैसे अगर आप जानने में इंटरेस्टेड ये तो वीडियो पूरा देखिए एक इंटरेस्टिंग टूल मैं आपके लिए लेके आऊँ तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इस स्क्रीन के ऊपर अभी लेट्स गो हमारा टास्क है कि भाई हमने जो ए के जरिए यानी चैट जीपी के जरिए जो कॉन्टेंट हमने लिखवा लिए है यानी कि आर्टिकल हो सकता है ब्लॉग हो सकता है उन्हें हमें ह्यूमनाइज़ करना है लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपने ये कॉन्टेंट किसी को भी दे दिए तो अगर उसने भाई ए आई डिटेक्टर टूल यूज़ किया तो वो कैसे डिटेक्ट करता है मैं वो सारे टूल्स की मदद से पहले मैं दिखाऊंगा बाद में मैं इसे ह्यूमनाइज़ करके भी डिटेक्ट करके दिखाऊंगा कि भाई वो वही जो टूल्स आपको पहले ए आई डिटेक्शन में हंड्रेड परसेंटेज ए आई डिटेक्शन बता रहे वो बाद में कितना परसेंटेज बताते हैं तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो सबसे पहले मैंने पे कुछ कंटेंट लिखवा लिया है बेसिकली uh, पे एक प्रॉम्प्ट दिया था मैंने चैट जीपीटी को कैन यू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑफ अराउंड 800 हंड्रेड टू थाउजेंड वर्ड्स ऑन यूज ऑफ चैट जीपीटी फॉर ऑफिस वर्क स्पेशली फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर्स हाउ इट इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर देम टू यूज छट जी राइट तो ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए उसे बोला और उसने एक आर्टिकल लिखवा लिया तो अब मैं इस आर्टिकल को पूरा का पूरा कॉपी को कर लूंगा लेट मी कॉपी जितना भी यहाँ पे आर्टिकल है मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ इसको तो ये पूरा आर्टिकल मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है अब इसे कॉपी करने के बाद ये आर्टिकल पूरा कॉपी हो गया है इसे मैं अलग अलग ए डिटेक्टर में डाल के देखता हूँ कि भाई ये कितना परसेंटेज ए डिटेक्ट करता है राइट मतलब ए आई कॉन्टेंट से लिखे गए ये फाइंड आउट करता है तो हम आ चुके पहले ए आई डिटेक्टर की तरफ जो कि है ऐप डॉट औरिजनैलिटी डॉट ए आई तो मैं यहाँ पे कंटेंट uh, स्कैनर पे जाऊंगा स्टार्ट न्यू स्कैन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बेसिकली ये जो कंटेंट मैंने चैट जीपीटी के जरिए लिखे वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा अब दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एंड मैं स्कैन नाउ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ जैसे मैं स्कैन नाउ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गया है और कुछ ही सेकेंड में आप देख सकते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा बोल रहा है हंड्रेड परसेंटेज ए आपने यूज़ किया है ओरिजिनल कुछ भी कंटेंट नहीं है मतलब यहाँ पे कोई भी कंटेंट आपने खुद टाइप नहीं किया है ये ए डिटेक्टर आपको बोल रहा है अपकोर्स हमने पूरा का पूरा कॉन्टेंट चैट जी से ले लिया है और यहाँ पर हंड्रेड परसेंटेज डिटेक्शन स्कोर आ चुका है चलो ठीक है ये पहला टूल हमने देख लिया अब फिर मैं जा रहा हूँ दूसरे टूल की तरफ जी पी टी यहाँ पे ज़ीरो करके एक टूल है जी पी टी जीरो डॉट मी इसमें जाकर हम न्यूज़ स्कैन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहां पे आपके कंटेंट को पेस्ट करना है और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रन स्कैन तो कुछ ही सेकंड में ये भी स्कैन करके आपको बता रहा है कि भाई ये भी 100 परसेंटेज ए आई जनरेटेड कॉन्टेंट है आपको दिखाई दे रहा है राइट right? 100 परसेंटेज ए आई जनरेटेड अब नेक्स्ट टूल की बात करते हैं जो कि है एप डॉट कॉफी लिक्स डॉट कॉम लुक एटर एप डॉट कॉफी लिक्स डॉट कॉम पर मैं जा रहा हूं न्यूज स्कैन पे क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे मैं ढेर सारे ऑप्शन है उसमें मैं टेक्स्ट ले रहा हूं आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं फिलहाल तो मैंने ये टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है और उसके बाद नीचे मुझे यहाँ पे स्कैन बटन मिल रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे स्कैन पे क्लिक कर रहा हूं और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर यहां पे आपको रिजल्ट ला के दे रहा है एआई कंटेंट डिटेक्ट 100 परसेंटेज आप देख सकते हैं भाई एआई कंटेंट डिटेक्टर और ह्यूमन टेक्स्ट कितना है यहाँ पे ये देखिए नीचे दिखाई दे रहा है ह्यूमन टेक्स्ट आपको जीरो परसेंटेज दिखाई दे रहा है चलो ठीक है अब नेक्स्ट एआई आई डिटेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि जीरो इसमें भी जाकर कॉन्टेंट को आप पेस्ट कीजिए डिटेक्ट पे क्लिक कीजिए नाउ यू कैन सी ये बोल रहा है, कि भाई, 86 है। चलो, ये इस तरह से काम करते है। है। मतलब, है है, है। uh, हैं जो की गोविस्टर्न डॉट ए आई और इस पर जाकर मैं क्विक स्कैन पे क्लिक करके यहां पे कंटेंट को पेश करूंगा स्कैन टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं चलो ठीक है देख लेते हैं कि भाई इसमें भी कंटेंट कितना प्रतिशत यहाँ पर टू से कितना परसेंटेज ए आई है ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कि भाई ह्यूमन स्कोर बस नौ परसेंटेज है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे ह्यूमन परसेंटेज नौ है मतलब समझ जाओ कि भाई नाइन्टी वन परसेंटेज यहाँ पे एआई आई डिटेक्टर और ये हाईलाइट भी कर रहा है तो इन सभी एआई आई डिटेक्टर टूल ने आपको रेड सिग्नल दिया है और बोल रहे हैं कि भाई आपने जो कॉन्टेंट लिखे हैं वो पूरे के पूरे ए आई है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वहाँ पर ए आई है और ह्यूमनाइज बहुत कम है अब आपने कोई कंटेंट लिखा है उसमें आपने थोड़ा बहुत ह्यूमनाइज़ किया लेकिन ज़्यादातर आपने एआई बेस्ड कंटेंट लिखे और आपके पास इतना टाइम नहीं रहता लेकिन वो कोई भी डिटेक्ट करता है आपके कंटेंट को आपको लगता है तो ऐसे में आपको भाई बाईपास करना आना चाहिए और बाईपास के लिए एक टूल मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है बाईपास जी पी टी जी हाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है इसकी आप क्लिक कीजिए बाईपास जी पी टी डॉट ए आई पर जाइए जैसे आप बाईपास जी डॉट ए आई पे आओगे आपने जो लिखे हुए कॉन्टेंट है उसे ह्यूमनाइज़ करने का एक बढ़िया ए आई टूल है बेसिकली ये भी ए आई टू है लेकिन उसे ह्यूमनाइज़ करता है वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पूरे कॉन्टेंट को जो कॉन्टेंट अभी मैंने दिखाए थे वो पूरा पूरा कॉन्टेंट मैंने चैट जी पी टी के जरिए लिखा है वही पेस्ट किया यहाँ पे और मैं इसे ह्यूमनाइज बटन पर क्लिक करूँगा जैसे मैं ह्यूमनाइज बटन पर यहाँ पे क्लिक करूँगा लुक और ये बाईपास करेगा भाई ये जो कंटेंट है ये ह्यूमनाइज कर देगा ऐसे लगेगा कि किसी ह्यूमन ने कंटेंट लिखे और ये जितने भी टूल्स मैंने अभी दिखाए वो डिटेक्ट कर रहे थे अब मैं ये कंटेंट जो आया है ना ये ह्यूमनाइज ये हो चुका है राइट right? कंटेंट अब इस कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिया है आपको कॉपी करने के लिए ये देखिए कॉपी करने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ फिर से पहले टूल के अंदर जहाँ पे ऐप डॉट औरिजिनलिटी डॉट ए है जहाँ पे हमने देखा था कि भाई 100 परसेंटेज ए डिटेक्ट हो रहा है अब मैं इस कंटेंट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे नया कंटेंट जो हमने ह्यूमनाइज़ किया है वो मैं पेस्ट करता हूँ पेस्ट करने के बाद मैं स्कैन अगेन करता हूँ और आपको पहले ए आई डिटेक्टर से ही पता चल जाएगा कि भाई ये ह्यूमनाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है सही में ये बाईपास जीपीटी जो टूल है काम करता है या नहीं करता है आपको अभी पता चलेगा और ए आई डिटेक्शन स्कोर आपको दिखाई दे रहा है भाई टेन परसेंटेज है नाइन्टी परसेंटेज ओरिजिनल कंटेंट लग रहा है राइट अब आप देख सकते हैं पे पे उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया गया रिवर्स पूरा पूरा पे पहले 100 लगभग एआई था अब 90 ओरिजिनल कंटेंट लग रहा है चलो ठीक है दूसरे जीपीटी जीरो की तरफ जाते हैं यहां पर जाकर न्यूज स्कैन पर मैं क्लिक करता हूं और इसमें न्यूज स्कैन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा कॉन्टेंट को जो मैंने अभी अभी बाईपास जीपीटी के जरिए लिए हुए कॉन्टेंट है और यहां पर जाकर रन स्कैन करता हूँ यह भी पहले क्या दिखा रहा था आपको बताइए ये पहले बता रहा था कि भाई हंड्रेड परसेंटेज यहाँ पे ए आई है अब ये बता रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है ह्यूमन का कॉन्टेंट सबसे ज्यादा है और थ्री परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ए आई जनरेटेड है लुक ओ दर गाइज पूरा उल्टा हो गया राइट right? पूरा पूरा स्टेटिस्टिक यहाँ पे उल्टा हो चुका है तो आप आपके कंटेंट को आसानी से बायपास कर सकते हैं चलो नेक्स्ट टूल की तरफ देखते हैं इसमें भी इस कंटेंट को हटा देता हूं मैं जो कि हमारा नेक्स्ट टूल है कॉपी लिक्स का इस पे भी मैं न्यूज़ स्कैन पे जाता हूँ टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद इसमें भी स्कैन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे ए आई कॉन्टेंट जीरो परसेंटेज बता रहा है ये यहाँ पे आप माउस पॉइंटर रखिए और ये देखिए ह्यूमन टेक्स्ट हंड्रेड परसेंटेज हो चुका है और ये बता रहे कि भाई ए आई कॉन्टेंट अब बस ज़ीरो परसेंटेज वाओ ए आई डिटेक्टर नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमने कुछ रिजल्ट स्टेटिस्टिक पाया था भाई एटी सिक्स परसेंटेज राइट ए आई था अब मैं इसमें पेश करता हूँ डिटेक्ट टेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे जो हमने अभी बाईपास के ज़रिए बनाया और इसमें बता रहे कि भाई ए आई का जो परसेंटेज है वो बस अभी 3.22 परसेंटेज है ओके okay, एंड उसने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लिया ऐसा लग रहा है कि भाई यार ये तो पूरा रिवर्स रिजल्ट हो गया है नेक्स्ट है हमारा gowinston.ai इस पे जाते इसको भी मैं एक स्कैन टेक्स्ट करता हूँ. देखते हैं भाई ये टूल क्या कहता है स्कैन कंप्लीटेड बोल रहा है और बोल रहा है कि भाई 98% ह्यूमन स्कोर है क्या बात है क्या बात है राइट right, गाइस नेक्स्ट एप डॉट कॉन्टेंट कॉन्टेंट एट स्केट ए आई पे आते हैं और यहां भी जाकर कॉन्टेंट को पेश करते हैं और देखते हैं चेक ए आई कॉन्टेंट और यहां पे वो बोल रहा है कि भाई ह्यूमन प्रोबेबिलिटी पासिसमन पूरा ह्यूमन पूरा ग्रीन ग्रीन यहां पे वो दिखाई दे रहा है तो इस तरह से आप भाई इस पर्टिकुलर टूल की मदद से बाईपास जी डॉट ए आई के जरिए आप कंटेंट को ह्यूमनाइज करते हैं आपने चैट जीपीटी से कंटेंट लिखे या फिर आपने कोई भी एआई टूल से लिखे गए कॉन्टेंट को या पे आप पेस्ट करोगे ह्यूमनाइज़ बटन पे क्लिक करोगे वो आपको एक नया कॉन्टेंट जनरेट करके देगा तो आप आर्टिकल लिख रहे हो ब्लॉग लिख रहे हो आप कुछ भी लिख रहे हो नेक्स्ट टाइम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपका बॉस आपका कलीग आपका सीनियर या कोई भी आपके कॉन्टेंट को डिटेक्ट नहीं करेगा कि भाई ये ए आई से लिखे गए कॉन्टेंट है राइट सो जस्ट राइट एंड अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। जस्ट गो एंड चेक इट आउट गाइज सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वही लाइक कर देना साथ में कॉमेंट कर देना ये टूल कैसे लगा और साथ में चैनल पर नए में मानो तो सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखना सीखते रहना सिखाते रहना बाय बाय